अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, चारों तरफ धूप निकली हुई है। अभी तकरीबन 11 हो रहे हैं और मैं सहरी करके सो गया था और बस अभी उठा हूँ। अभी देखते हैं कि हमारे आज की रूटीन में क्या क्या काम शामिल है और साथ साथ आपको दिखाते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अभी ऊपर बहुत गर्मी है, नीचे चलते हैं, तो नीचे चल के आपसे बात करते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो कर रहे हो? तो खराब हो जाती है। हमारे घर का सबसे नॉटी मेंबर है, देखो उसका मुंह कितना बड़ा है और नाक इसकी देखो छोटी सी, सेम मेरी तरह। मेरा भी मुंह देखो और नाक देखो, बस फर्क इसका यह है कि इसका मुंह बड़ा और नाक छोटी है और मेरा नाक बड़ा और मुंह छोटा है। सॉरी टू से बट हम ऐसे ही हैं। चल सो जा। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। तुम्हें सोना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं सोओगी तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। मैंने कहा तुम्हें सोना पड़ेगा। नहीं, मैं जा रही हूँ, भाग रही हूँ। गुड़िया तो चली गई है, उसने तो सोना नहीं है, लेकिन अब मैं सोऊंगा क्योंकि अभी अफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम है। जी अभी मैं सोकर उठा हूँ तो तकरीबन 3:30 का टाइम हो चुका है। आज मस्जिद में हमने अफ्तारी करानी है, अफ्तारी का टाइम करीब है। अभी मस्जिद से देजका उठा के लाएंगे जिसमें चावल तैयार करने हैं और वो चावल फिर हम अफ्तारी में जो है वो तमाम मस्जिद में बांटेंगे। अभी अफ्तारी में तकरीबन 2-2.5 घंटे हैं, तो चलते हैं मस्जिद से देजका उठा के लाते हैं और चावल की तैयारी करते हैं। ये आगे लंगर खाने को ताला लगा हुआ है, ताला खोलते हैं और लेते हैं। ये वाला मिर्च का लेते हैं जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, देजका ले लिया। अभी हम देजका उठा के ले आए हैं, अभी नाई अपना काम शुरू कर देगा, चावल वो बनाएगा। इतनी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि KFC के क्रिस्पी चिकन स्प्रिंकल्स घर में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? आज उस चीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो चलें शुबान, लेट्स गो। सबसे पहले ये हमारे पास चिकन है, इस पर हम अच्छे तरीके से नमक लगा देंगे। ये नमक लगा के अभी हमने चिकन को नमक लगा लिया है। अब हम इस चिकन को धोएंगे अच्छे तरीके से, पानी डाल लें। ये पानी डाल लिया, अब पानी डाल लिया, अब हम एक एक पीस को अच्छे तरीके से धोकर अलग कर लेंगे। अभी हम एक एक पीस को धोकर अच्छे तरीके से साफ करके इसमें डालते जाएंगे। अभी हम चिकन पे थोड़ी सी रेड चिली मिलाएंगे, ये तरफड़ मिर्चें भी कहते हैं इसको, चिली फ्लेक्स, इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से और बस वो होता है, इतना बनता ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने दोने से पहले भी मिलाया था, तो इसलिए अभी थोड़ा सा नमक ही डालेंगे ऊपर हसबे ज़रूरत। इसमें हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक अपने हसबे ज़रूरत डालना है, क्योंकि चिकन धोने से पहले भी हमने एक बार नमक इसमें डाला था, तो अभी थोड़ा सा ही नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी इस तरह हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने तरफड़ मिर्चें डाली हैं, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर काली मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुर्ख मिर्चें भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने इसका जायका रखना हो। एक बर्तन में हम ऑयल गरम कर लेंगे और उसके बाद चिकन को मैदा लगाएंगे। अब हम एक चिकन पीस लेंगे और उसको अच्छे तरीके से मैदे में मसल मसल के अच्छे तरीके से मैदा लगा लेंगे। इनको अच्छे तरीके से मसल लेंगे, अब इनको अच्छे तरीके से मसल लेंगे मैदे में। देखिए स्प्रिंकल्स आ गए हैं, इसके बाद पानी में डिप करेंगे और यहाँ से निकाल के डायरेक्ट एक बार फिर से मैदे में अच्छे तरीके से इसको मसल लेंगे।
अच्छे तरीके से मसल के इनको देखिए स्प्रिंकल्स आ गए इस पर। उसके बाद इसे बिस्मिल्लाह पाके टिप कर दें। ये देखिए इसी तरह है, एक और पीस लेंगे मैदे में टिप करेंगे इस तरह अच्छे तरीके से इसको करेंगे ताकि शांति करके पानी में डिप करेंगे थोड़ी देर, फिर उठा के हम मैदे में इस तरह से मस लेंगे कि इनके स्प्रिंकल्स बन जाएं। ये देखिए स्प्रिंकल्स आ गए, इसको देना तेल में चाहिए। इसी तरह से बारी बारी करके तमाम फ्राई करके आपको रिजल्ट दिखा। इनको आपने बार बार पलटाना नहीं है क्योंकि जब जितना आप उसको पलटाएंगे इनके स्प्रिंकल्स टूटने का खतरा होता है, इसलिए इन्हें एहतियात से एक ही बार में आपने पलटना है। मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ पहले पलटने की इनको। ठीक ओके, इसी तरह से आपने आस्ता आस्ता करके इनको पलट लेना है और आपके नेकेट जब तैयार हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चिकन के आगे पीछे कितने अच्छे तरीके से स्प्रिंकल्स आ गए हैं। जैसे ही हम इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं तो ये अपनी जगह फ्रीज होके बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये देखें जी तीन स्प्रिंकल्स आपके सामने तैयार होके आ चुके हैं। इसी तरह आपने बारी बारी करके सारे तल लेने हैं और ये बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। आपको भी एक बार मैं सारे तैयार करके दिखा देता हूँ। गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी KFC चिकन बनके तैयार हैं। तो गाइज़ KFC के क्रिस्पी चिकन तैयार हैं। इसी तरह के मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। आपको अब अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।